कावड़ियों पर लाठी चार्ज के बाद हटाए गए पुलिस कप्तान, तो अखिलेश ने योगी सरकार पर कसा तंज, कह दी ऐसी बात। बरेली में जो हुआ वो पूरे प्रदेश में सुर्खियों का सबब बन गया। योगी ने पहले एसपी को हटाया, फिर थाना और चौकी इंचार्ज को भी किया सस्पेंड। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर पूछा सवाल तो तेज हो गई सियासत, भाजपा सरकार को बता दिया भ्रष्ट। बरेली के पुलिस कप्तान प्रभाकर चौधरी का ट्रांसफर करने का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। बरेली में कांवड़ियों पर लाठी चार्ज के ठीक चार घंटे बाद ही उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। इस मामले में सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को भ्रष्ट बताते हुए कह दिया है कि जो भी कानून की बात करेगा उसे इसी तरह से बर्खास्त कर दिया जाएगा। शासन ने रविवार को 14 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर किए थे, इन्हीं में एक नाम बरेली के कप्तान आईपीएस प्रभाकर चौधरी का है। ये कार्यवाही बरेली में कांवड़ियों पर लाठीचार्ज होने के ठीक चार घंटे बाद हुई। अब इस मामले में सपा मुखिया ने योगी सरकार पर सीधा तंज कसा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा कि जो कानून व्यवस्था की बात करेगा भ्रष्ट भाजपा का राज उसको बर्खास्त करेगा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव भाजपा सरकार पर हमला करने का कोई भी मौका छोड़ नहीं रहे। ऐसे में आईपीएस पर हुई ट्रांसफर की कार्यवाही को लेकर अखिलेश ने सीधे सीएम को घेर लिया। अखिलेश ने अपने ट्वीट में भाजपा को भ्रष्ट बता दिया है। ट्रांसफर सूची में प्रदेश के 13 अन्य आईपीएस अधिकारियों के नाम भी हैं, मगर प्रभाकर चौधरी का तबादला कांवड़ियों पर लाठीचार्ज से जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने भी यही संकेत दिया था। उन्होंने बताया था कि शाम 6:20 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन करके घटनाक्रम बताया गया और इसके बाद तुरंत एक्शन ले लिया गया। प्रभाकर चौधरी 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और पिछले 10 सालों में 15 से अधिक जिलों की कमान संभाल चुके हैं। हालांकि इन 10 सालों में उन्हें 20 से अधिक बार ट्रांसफर झेलना पड़ा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी करने के बाद उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की थी। प्रभाकर चौधरी बलिया, बुलंदशहर, कानपुर में एसपी के पद पर तैनात रह चुके हैं। उन्हें बनारस के एसएसपी की जिम्मेदारी भी दी जा चुकी है। इससे पहले वो मुरादाबाद के एसएसपी थे। आपको बता दें कि बरेली के चक महमूद मोहल्ले से जोगी नवादा के रास्ते पर कावड़ यात्रा निकालने को लेकर रविवार को बवाल हो गया था। कावड़िए साउंड सिस्टम लेकर गली में इकट्ठे हुए तो 300 मीटर दूर नई परंपरा बताकर कुछ महिलाएं प्रस्तावित मार्ग पर बैठ गई थी। दोनों पक्षों की ओर से 4 घंटे तक तनातनी बनी रही, जिसे अधिकारी काबू नहीं कर सके। इस बीच किसी खुराफाती ने हवाई फायरिंग की तो पुलिस ने कावड़ियों के जत्थे पर लाठीचार्ज कर दिया। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। शाम 6 तक ऐसा ही प्रकरण चलता रहा। इसके 4 घंटे बाद ही एसएसपी प्रभाकर चौधरी का तबादला कर दिया गया। उन्हें लखनऊ पीएससी भेजा गया। इसी मामले को लेकर अब विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। सपाइयों का आरोप है कि अपने राजनीतिक एजेंडे को देखते हुए अधिकारियों को इधर से उधर भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।